यूपी के हाथरस जिले के थाना जीआरपी हाथरस जंक्शन क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। थाना जीआरपी हाथरस जंक्शन क्षेत्र के दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक स्थित के धौलपुर रेलवे फाटक के पास जनपद मथुरा के थाना जमुनापुर क्षेत्र के गांव सिहोरा निवासी चंद्रभान के पुत्र ओम प्रकाश ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पाकर मौके पर थाना जीआरपी हाथरस जंक्शन पुलिस को युवक के शव के पास से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें मृतक ओम प्रकाश ने अपनी प्रेमिका लक्ष्मी से धोखा मिलने और उसके खिलाफ थाने में दर्ज कराए गए मुकदमे की बात कही। थाना जीआरपी पुलिस ने मृतक ओम प्रकाश के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। सर, ये क्या मामला क्या हुआ जो आज जंक्शन पर एक व्यक्ति जो लड़का जो कट गया है, क्या मामला क्या है? हाथरस जंक्शन पर अभी स्टेशन मास्टर द्वारा मेमो प्राप्त हुआ, एक अज्ञात व्यक्ति ट्रेन से कटकर मर गया है। उसके संबंध में मैं मौके पर पहुंचा, मौके पर प्रभारी जन आ गए थे तो उसकी शिनाख्त ओम प्रकाश पुत्र चंद्रवान जी निवासी सिहोरा थाना जमुनापाल जिला मथुरा के रूप में शिनाख्त हुई है उसकी। परिवार वालों ने प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का बताया। अच्छा सर, इसके परिवार वालों की तरफ से कोई तहरीर वगैरह या कुछ ऐसा हुआ है? परिवार वाले अभी इसकी जो है पंचायतनामा भरकर PM कराना चाह रहे हैं, उसके बाद जो भी कराएंगे वो अग्रिम कार्रवाई उस पर की जाएगी। अच्छा, इसके लड़के से कोई प्राप्त कुछ सामग्री हुई है क्या? अभी इसकी जांच की जा रही है, इसके संबंध में पूरी जांच की जा रही है। तो मतलब लास्ट मतलब परिवारजनों ने प्रेम प्रसंग का मामला बताया? हाँ, प्रेम प्रसंग का मामला बताया। आपको बता दें, जनपद मथुरा के थाना जमुनापुर क्षेत्र के गांव सिहोरा निवासी चंद्रभान के पुत्र ओम प्रकाश का पड़ोस के ही रहने वाली बुद्धा की पुत्री लक्ष्मी के साथ कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। ओम प्रकाश और लक्ष्मी के बीच चल रहे प्रेम प्रसंग की जानकारी लक्ष्मी की माँ और उसकी भाभी को पहले से ही थी। ओम प्रकाश और लक्ष्मी दोनों आपस में शादी करना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मी के परिजन इस शादी के खिलाफ थे। लक्ष्मी के परिजन ने 2 दिन पहले ही लक्ष्मी को अपने दबाव में लेकर ओम प्रकाश के खिलाफ मथुरा के थाना जमुनापुर में मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसके चलते ओम प्रकाश अपने घर से कल सुबह परिजनों को बिना बताए चला गया। बुधवार की दोपहर मृतक ओम प्रकाश ने अपनी फेसबुक पेज पर लक्ष्मी से उसके खिलाफ मथुरा के थाना जमुनापुर में दर्ज कराए गए मुकदमे को वापस लेने की बात कहते हुए अपने आत्महत्या किए जाने की बात लिखते हुए सुसाइड नोट वायरल कर दिया। बुधवार की शाम करीब 3 बजे थाना जीआरपी हाथरस जंक्शन पुलिस को दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक पर धौलपुर रेलवे फाटक के पास ओम प्रकाश का शव पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलते ही मृतक ओम प्रकाश के परिजन मथुरा से हाथरस पहुंच गए, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक आक्रोशित लोग शांत नहीं हुए और कोतवाली में बैनर लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया।